नगर खुजदेव में कृषि विस्तार अधिकारी ब्रजकिशोर गुप्ता ने कृषि विभाग द्वारा ग्राम बांसखेड़ा के किसानों को खेती बाड़ी के बीज उपलब्ध करवाए, जिसमें कृषक बद्रीलाल नागर भारतीय किसान संघ के जिला उपाध्यक्ष एवं नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष श्री पंकज शर्मा के द्वारा कृषक विष्णु नागर रामबाबू एवं हरीश अमृतलाल गिरवर कमल सिंह पुरुषोत्तम को उड़द बीज अरहर आदि बीज अनुदान पर उपरोक्त तो महानुभाव के समक्ष उनके द्वारा बीज वितरण किया गया। इस मौके पर पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष पंकज कुमार शर्मा ने भी सरकार की ओर से किसानों को हर संभव मदद दिलाने का वादा किया है। टीम भारती न्यूज। सम्मानी हमारे अध्यक्ष जी नगर पंचायत खुजनेर भाई पंकज जी शर्मा साहब के द्वारा आज हमारा बांसखेड़ा ग्राम के किसान आए हुए हैं, उनको उड़द बीज ग्राम के अंतर्गत उड़द बीज 8 किलो अनुदान पर दिया जा रहा है। साथ ही उनके साथ में कल्चर राइजोबियम PSV दिए जा रहे हैं जो इनको बीज बनाना है। और आज ऐसा समय है कि सोयाबीन का रकबा कम हमको करना है और उड़द लाल तुअर अरहर मूंग ज्वार मक्का का रकबा हमें बढ़ाना है। हमारे उच्च अधिकारियों को कहना है, हमारे कृषि वैज्ञानिकों को कहना है, हम गांव-गांव में हमारा प्रचार यही चल रहा है कृषि विभाग के द्वारा, हमारे सम्मानी DD साहब मालवी जी के द्वारा, हमारे सम्मानी SADO राठौड़ साहब के द्वारा, सभी कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा ये प्रचार प्रसार चल रहा है। मौसम के अनुसार सोयाबीन को रकबा कम करते हुए हम उड़द मूँग मक्का पर ज़्यादा हम निवेदन कर रहे हैं कि आप इनका रकबा बढ़ाइए। साथ ही इनका बीजोपचार करना है, बेबिस्टिन कार्बन डाई ट्राइकोडर्मा इनसे 2 से 5 ग्राम दवा लेकर मिलाकर हमें बोना है। साथ ही जो सोयाबीन बो रहे हैं उनको बोके देखना है, चित्तर 80 दाने उगना चाहिए, अगर नहीं उगे तो उसमें हमको मात्रा बढ़ाना पड़ेगी, 20 किलो आती है तो उसकी जगह हमको 25 किलो लेनी पड़ेगी। इन किसानों को हमने जो 20 ग्राम का चयन किया है वो बांसखेड़ा उड़द 20 ग्राम का है, हम बांसखेड़ा किसानों को दे रहे हैं। साथ ही सम्मानीय हमारे अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने हमें समय दिया, उनका मैं धन्यवाद दूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। एक जागरूकता रैली में जाते हुए हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, उनके द्वारा बीज वितरण हुआ। सर सरकार आपकी है और इस वक्त बोने का समय है, क्या कहना चाहेंगे सर? शासन की मंशा अनुसार कृषि विभाग जो कार्य कर रहा है, शासन की ऐसी मंशा है कि मक्का ज्वार उड़द की फसल अधिक बोई जाए और इसी कारण जो है बांसखेड़ा ग्राम केंद्र को उड़द के लिए चयनित किया है। वहाँ के किसान लोग आए थे तो हमारे क्षेत्र के सेक्टर के ब्रज कुमार जी गुप्ता साहब जो ग्राम सेवक साहब हैं उनके द्वारा बांसखेड़ा किसानों को बुलाकर ये उड़द और इसका अनुदान जो बीज है वो यहाँ वितरण किया गया। सर क्या लगता है आपको, इस वक्त किसानों का समय है, किसानों की मांग है, किसानों का वक्त है, यानी कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है तो उनको इस वक्त खाद की भी बीज की भी हकाई की जुताई की और अन्य चीज़ों की ज़रूरत है, सारी आपूर्ति हो पा रही है? खाद बीज और जो भी किसान को आवश्यकता है वो उसकी पूरी पूर्ति की जा रही है और कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। लगभग बोने का भी 70-80% का काम हो चुका है, जहाँ पाए बारिश अच्छी हुई है और बोने का काम और चल रहा है, सभी के लिए पर्याप्त बीज और खाद की व्यवस्था शासन ने की है। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।